हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस में। इस वीडियो में मिश्रण के कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे। ये क्लास फर्स्ट है और इसकी बाकी क्लासेस आपको स्पेशल बैच में मिलेंगी। आर्मी के लिए स्पेशल बैच 1 सितंबर से प्रारंभ हो रहा है, तो जो भी छात्र बैच में ज्वाइनिंग लेना चाहें तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है आपके सामने 7987901796, तो आप दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिएगा, इसका पहला प्रश्न है, डायरेक्ट प्रश्न पर आएंगे। ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु को किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि मिश्रण का क्रय मूल ₹15 प्रति किलोग्राम हो जाए। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो आप लोग याद रखेंगे, पहले प्राइस फर्स्ट यहाँ पर लिखते हैं और प्राइस सेकंड इधर लिखते हैं, दो ये प्राइस दिया रहेगा और मीन प्राइस यहाँ पर लिखा जाएगा MP, और इसके बाद अनुपात निकालना है तो आपस में घटाएंगे इसको इधर लिखेंगे और सेकंड वाले को ये मीन प्राइस में घटा के इधर लिखेंगे, तो ये अनुपात की वैल्यू प्राप्त हो जाती है इस तरह से, ये दोनों वैल्यू। तो यहाँ पर देखिएगा, जैसे यहाँ पर ₹12 प्रति किलोग्राम की वस्तु थी तो ये प्राइस फर्स्ट है, तो जब इसको सोल्यूशन करेंगे तो पहले यहाँ 12 लिख लेंगे और सेकेंड है ₹18 प्रति किलोग्राम की वस्तु में मिलाना है, तो यहाँ पर सेकेंड प्राइस ये 18 हो जाएगी और मेन प्राइस दिया है, ये जो मिश्रण है इसी को बोलेंगे मेन प्राइस, तो ये मिश्रण का क्रय मूल ₹15 प्रति किलोग्राम है, तो यहां पर लिख देंगे मेन प्राइस। ये देखिएगा P1 P2 और ये मेन प्राइस हो गया, प्राइस फर्स्ट प्राइस सेकंड और ये मेन प्राइस। अब इसको आपस में घटा करके अनुपात निकालेंगे तो देखिएगा, इन दोनों का जब डिफरेंस घटाएंगे 12 में 15 घटेगा तो 3 बचेगा, 15 माइनस 12, और 18 15 जब घटाएंगे आपस में तो यहाँ पर भी 3 बचेगा, तो ये 3 अनुपात 3 हुआ, तो इसको कैंसिल आउट कर लेंगे, 3 एक कम 3, यहाँ भी 3 एक कम 3, तो 1 अनुपात 1, जो कि इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट होगा। तो इस तरह आप लोगों को सॉल्व करना है, इसमें कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, बाकी सभी क्लासें आपको स्पेशल बैच में मिल जाएंगी इस टॉपिक की। सेकेंड क्वेश्चन सेम है, देखिएगा, ₹25 प्रति किलोग्राम की वस्तु में ₹20 प्रति किलोग्राम की वस्तु किस अनुपात में मिलाकर बेची जाए कि मिश्रण का क्रय मूल ₹22 प्रति किलोग्राम रहे। तो यहाँ देखिए, प्राइस फर्स्ट दिया है 25, तो लिखेंगे प्राइस फर्स्ट यहाँ पर 25, प्राइस सेकंड दिया हुआ है ₹20 प्रति किलोग्राम, तो 20 लिख देंगे, और मीन प्राइस दिया है 22, क्योंकि मिश्रण का क्रय मूल ₹22 प्रति किलोग्राम है, तो मीन प्राइस यहाँ लिखना है। अब आपस में इसको घटा करके इधर अनुपात निकालेंगे, इनको आपस में घटाएंगे तो यहाँ अनुपात की वैल्यू आएगी, मतलब जब फर्स्ट वाले का निकालेंगे अनुपात वाला मान तो इन दोनों को आपस में घटाएंगे, तो देखिए आपस में जब घटाते हैं तो 20 और 22 जब माइनस करेंगे 2 बचेगा और 25 में 22 घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू 3 होगी, और यही 2 अनुपात 3 इसका सोल्यूशन होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। और इसका PDF फाइल भी आप लोगों को उपलब्ध करवाया जाएगा स्पेशल बैच जब आप ज्वाइन करेंगे, तो क्वेश्चन का PDF आपको एक साथ मिल जाएगा इस टॉपिक का पूरा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जब दशमलव वाली वैल्यू आती है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, ₹6.20 प्रति किलो चावल को और ₹7.20 प्रति किलो चावल को किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण ₹6.50 प्रति किलो हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, सेम सवाल उसी तरह सॉल्व करेंगे, पहले फर्स्ट प्राइस दिया है 6.20 और सेकंड प्राइस सेकंड दिया है 7.20 और जो मेन प्राइस है तो यहाँ पर देखिए 6.50 दिया है मेन प्राइस, तो यहाँ लिख लेंगे मेन प्राइस 6.50। अब आपस में माइनस करना है, लेकिन ये दशमलव संख्याएं हैं तो देखिए दशमलव बैलेंस है, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद यहाँ भी 2 अंक है, दशमलव के बाद यहाँ है, तो दशमलव सबसे रिमूव कर देंगे और साथ में देखिए 0 लगा तो 0 0 भी कैंसिल आउट कर देते हैं, तो अब 62 और 65 जब घटाएंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 65 माइनस 62 अंतर निकालेंगे 3 का आएगा, और 72 में 65 जब घटाएंगे तो यहाँ वैल्यू आएगी 7, तो ये अनुपात बन जाएगा 7:3। इस तरह दशमलव वाली संख्याओं को सॉल्व करते, तो ऑप्शन नंबर इसका B करेक्ट है। एक सवाल और देखिएगा दशमलव संख्याओं का, क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, एक व्यापारी ₹15 प्रति किलोग्राम तथा ₹20 प्रति किलोग्राम भाव की दो चायों को किस अनुपात में मिलाए कि मिश्रण का भाव ₹16.50 हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर एक दशमलव संख्या यहाँ पर प्राप्त हो गई, ये जो मेन प्राइस है, लेकिन प्राइस फर्स्ट 15 है, प्राइस सेकेंड 20 है, तो पहले लिख लेंगे प्राइस फर्स्ट 15, प्राइस सेकेंड 20, और ये जो मेन प्राइस है तो यहाँ लिखा जाएगा 16.50। तो यहाँ पर आप देखिए दशमलव कैसे बैलेंस करेंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 0 0 लगाएंगे, यहाँ दशमलव के बाद यहाँ 2 0 लगा देंगे, तो समान अंक हो गए। अब दशमलव यहाँ से रिमूव करेंगे तो देखिएगा वैल्यू ईजी हो जाएगी, यहाँ से 0 0 सभी में 1 1 0 लगा हुआ है, तो ये कैंसिल आउट करेंगे, अब यहाँ पर घटा करके और फिर इसका अनुपात निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा जब 150 और 165 जब यहाँ माइनस करेंगे तो वैल्यू 15
मात्रा बचेगी 165 में जब 150 घटेगा, और यहाँ पर 200 में 165 जब घटेगा आपस माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू 35 होगी। अब अनुपात निकालना है तो इसको अभी और कैंसिल आउट कर देंगे, 5 से 5 तेई 15, यहाँ से 5 सते 35, तो 7:3 बनेगा। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अब देखिएगा इसका चेंज क्वेश्चन, एक 5 नंबर क्वेश्चन चेंज है थोड़ा, इसी तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, रुपये 10 प्रति किलोग्राम का चावल और रुपये 16 प्रति किलोग्राम का चावल किस अनुपात में मिलाकर रुपये 18 प्रति किलोग्राम के भाव से बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। तो सीधा सीधा यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो प्राइस फर्स्ट दिया है रुपये 10, तो यहाँ 10 लिख लेंगे, प्राइस सेकंड दिया है 16, तो यहाँ पर लिखेंगे 16। लेकिन ये जो मेन प्राइस है यहाँ वाली वैल्यू, तो ये नहीं दिया, यहाँ पर क्या कह रहा है कि 18 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेचे तो 20% का उसको लाभ हो रहा है। तो देखिए मेन प्राइस यहाँ की निकालेंगे, तो यदि लाभ हो रहा है तो देखिएगा ये 20% का लाभ है, तो मूल मान 100 होता है, उसमें 20 जोड़ेंगे तो टोटल हो जाएगा 120%, टोटल 120% हो जाएगा, जो कि 18 के बराबर है। तो 120% की वैल्यू 18 है, तो 1% की निकालेंगे यहीं से, तो 120 18 के बट्टे में चला जाएगा, ये 18/120। लेकिन ये मेन प्राइस 100% होगा, यहाँ पर क्रय मूल निकालना है 100%, तो देखिएगा 100% निकालना, तो ये 18/120 रहेगा, गुणे हो जाएगा 100। अब यहाँ से 20 से कैंसिल आउट करेंगे, 20 × 5 = 100 और 20 × 6 = 120, फिर 6 से 6 = 1, 6 × 3 = 18, तो 3 × 5 = 15, मतलब यहाँ पर 100% की वैल्यू 15 आ जाएगी, जो कि मेन प्राइस होगा। तो यहाँ पर 15 लिख लेंगे, अब आपस में घटाना है और अनुपात निकाल लेना है। तो यहाँ पर 10 और 15 जब आपस में घटाएंगे तो वैल्यू 5 होगी, और यहाँ पर 16 में 15 घटाएंगे तो 1 होगा, तो इसका अनुपात बनेगा 1:5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, यदि लाभ हो रहा है तो जुड़ेगा, यदि हानि होती तो 100 में घटा लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन और इसी तरह का यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, रुपये 25 प्रति किलोग्राम और रुपये 30 प्रति किलोग्राम की दो वस्तुएं किस अनुपात में मिलाकर रुपये 21 प्रति किलोग्राम से बेची जाए कि 25% की हानि हो। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर 25% हानि हो गया प्रश्न में, तो सीधा सीधा पहले सॉल्व करेंगे, तो प्राइस फर्स्ट दिया है 25, तो इसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे, और प्राइस सेकेंड दिया हुआ है 30, तो यहाँ पर वैल्यू लिखी जाएगी, और मेन प्राइस निकालना है, यहाँ पर नहीं दिया है। तो देखिएगा 21 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचता है तो 25% की हानि होती, तो जब हानि होगी तो 100 में 25 जब घटाएंगे तो वस्तु 75% में बिकेगी, और 75% बराबर ये वैल्यू दिया है 21 प्रश्न में, तो यहीं से 1% की निकालेंगे, तो 1% बराबर 21/75 हो जाएगा 75। लेकिन हमें निकालना है 100%, क्योंकि ये मेन प्राइस की वैल्यू जो यहां पर लिखना है, तो ये 100% होगी, तो 100% बराबर निकालेंगे तो 21/75, ये 1% की दी है, इसी में 100 को गुणा कर देना है, तो 25 × 75 कैंसिल आउट करेंगे, 25 × 100, फिर 3 × 1 = 3, 3 × 7 = 21, तो 7 × 4 करेंगे तो 7 × 4 = 28, मेन प्राइस की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 28। अब आपस में इसको घटाएंगे तो ये अनुपात आ जाएगा दोनों, तो देखिएगा 25 और 28 माइनस करेंगे तो यहाँ वैल्यू 3 होगी, और 30 और 28 आपस में जब घटाएंगे तो यहाँ 2 बचेगी, तो यही अनुपात हो जाएगा 2:3, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। तो इस तरह सवाल इसमें सॉल्व किए जाएंगे, तरीका यही रहेगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर किए जाएंगे, और ये बेसिक सवाल थे, इसके आगे के जितनी भी क्लासें हैं तो आपको स्पेशल बैच में मिलेंगी, और स्पेशल बैच 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग यदि ज्वाइन करना चाहें तो ये व्हाट्सअप लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर दिए गए लिंक पर संपर्क करके बैच ज्वाइन ले सकते हैं, और उस बैच में आपको टोटल सेलेक्टेड क्वेश्चंस करवाए जाएंगे, जो कि आर्मी एग्जाम में टोटल क्वेश्चंस वहीं से देखने को मिलेंगे, तो वहाँ पर आपको सारी सुविधाएँ उपलब्ध होंगी, स्पेशल PDF फाइल भी उपलब्ध करवाया जाएगा। तो आप यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर संपर्क करके बैच में ज्वाइनिंग ले सकते हैं। तो इसमें इतना ही कवर करेंगे।